नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय भाग तीन। जो व्यक्ति अपनी आय का प्रारंभिक बजट बनाकर खर्च करता है, वह प्रत्यक्ष रूप से इनके और पैसे से अधिकतम लाभ निकालता है। इसी प्रकार दैनिक का कार्यक्रम बनाकर समय को व्यर्थ करने वाला जीवन के प्रत्यक्ष क्षण का अधिकतम लाभ उठाता है और आत्मविकास करता है। प्रत्यक्ष क्षण जो आप व्यय करते हैं, अंतिम रूप से व्यय कर डालते हैं, वह वापस लौट कर आने वाला नहीं है। जब मृत्यु समीप आती है तो हमें जीवन के दो चार क्षणों का भी बड़ा मूल्य लगता है। यदि हम विवेकपूर्ण रीति से अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को धीरे धीरे समाप्त करते चले तो हम जीवन में इतना कार्य कर सकते हैं कि हमें उस पर गर्व हो। क्या आप जॉन जैक रूसो नामक विद्वान के जीवन को सदुपयोग की कहानी जानते हैं? यह कहार का कार्य करते करते फालतू समय के परिश्रम से विद्वान बना था। दिन भर रोटी के लिए परिश्रम करता और रात्रि में पढ़ता था। एक व्यक्ति ने उसे पूछा, आपने किसी स्कूल से शिक्षा पाई है? रूसो ने कहा, मैंने विपत्ति की पाठशाला में सब कुछ सीखा है। यह कहार दिन भर सख्त मेहनत की रोटी कमाता और बचे हुए समय में पढ़कर धुरंधर शास्त्रकार हुआ है। हम भी यह कर सकते हैं। समय के अपव्यय के पश्चाताप भाव, विचार, वासना, उत्तेजना आदि अनेक रूपों से जीवन का अपव्यय किया करते हैं। दुर्भाव न केवल दूसरों के लिए हानिकर है, वरन स्वयं हम बड़ी हानि पहुंचता चाहते हैं। एक बार को किया हुआ क्रोध दूसरों पर तो बाद में प्रभाव डालता है। पहले तो हमारे रक्त को विषैला और स्वभाव को चिड़चिड़ा बना डालता है, पाचन क्रिया को शिथिल कर डालता है। बहुत देर तक संपूर्ण शरीर थरथराता रहता है। यदि हम वासना को नियंत्रण में रखकर वीर्य संचय करें तो जीवन में जीवाणु और पुरुषत्व बल की बुद्धि की वृद्धि हो सकती है। व्यर्थ जो वीर्य नष्ट किया जाता है वह जीवन का अपव्यय है। अखंड ज्योति फरवरी 1957 पृष्ठ 5। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का चैप्टर है जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय अंतिम भाव। त्रोणित विचार, क्षणिक उत्तेजना, आवेश हमारे जीवनी शक्ति के अपव्यय के अनेक रूप है। जिस प्रकार काले